ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा जिस पर 99% लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हो और युवकों में इन मांगों को लेकर हमारी आगामी योजना हो। आप उसके लिए भाई जिम्मेदारी तय करो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन जिम्मेदार होगा जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की लाइब्रेरी में उस पेपर न पहुंचा होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो तमाम साथी हैं उनसे इस बात का अनुरोध करेगा इस पेपर में इन मांगों के साथ किस तारीख में खड़ा ये तक इकट्ठा होना है, प्रदर्शन करना है या मीटिंग करनी है, तो वन नीचे डेट फिक्स हो और एक सोशल मीडिया के माध्यम से जागृति पैदा हो। एक चीज, दूसरी चीज वह सिनोप्सिस जो मैं बता रहा हूँ जिसमें 8-10 मुद्दे हो उसको आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करो, जिस मास्टर द्वारा पढ़ो जिनका आप लोगों ने 8-8, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर साथ नहीं है तो एक यहाँ भी चलाओ नाम सब्सक्राइब कर दो। बात यह है जैसे कृष्ण मोहन जी ने बात कही भाई राजनीतिक यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, हम भी मान रहे किसी भी जैसे मान लीजिए प्रोग्राम कांग्रेस ऑर्गेनाइज करवा हुआ है यह चीज कदे भी ना होने दी हो, और भाई यह चीज मान लीजिए कोई भी एक अकेडमी एक्स वाई जेड वो अकेडमी ऑर्गेनाइज करो यह चीज भी ना होने दो, तारी लड़ाई है तो हमने लड़ना है। मैं तो यूँ कहूँ ना रवि आजाद जी ने और ना मन्नर ना भाई कृष्ण मोहन जी ने हमने मीटिंग में ही मत रखो और हमने कमेटी में भी मत रखो, कमेटी आप लोग निर्धारित करो और उसके लिए आज जिम्मेदारी तय करो। हमने 2-3 चीज़ें तय करनी है जितने तक मेरी समझ में, एक तो ब्लू प्रिंट और सिनोप्सिस तैयार करो जो 8-10-12 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम सब टेबल पर रखते हैं, हो सकता है एक कदम हमें पीछे रखना पड़ जाए HSC का जाए और कोशिश करा 2 कदम HSC भी पीछे रखना, हो सकता है सेम एज इट इज ना भी बातें माने जाए लेकिन उसमें 99% लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हो। एक चीज, दूसरी चीज है जी नहीं है जी मेरे को बोलते भाई साहब एक मिनट सुनो, एक एक भाई साहब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरी बात